मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की तारीफ की और कहा कि बेहतर बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक सहयोग की वजह से हम गुजरात में इंडस्ट्री लगाना पसंद करते हैं। सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। और सर, जैसा कि कम आप पूरी समिट को अटेंड कर रहे हैं और ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स आए वो भी बता रहे हैं कि गुजरात जो है वो एक ऑटोमोबाइल हब बन के निकल रहा है, सारी कंपनियां यहां पर निवेश कर रही है, अपने प्लांट लेके आ रही है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हर कंपनी को यहां आने में आकर्षित करती है? देखिए, गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूब है, अच्छा है। यहाँ पर हमको कैप्टिव पावर प्लांट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो ज़्यादातर सब जगह होती है। फिर यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम जब स्पेशली जब आए थे, जब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे, एडमिनिस्ट्रेशन हियर वाज वेरी रिस्पॉन्सिव। और हमारी जो ज़रूरतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की और किसी और किस्म की मदद की, वो सब करने को तैयार थे। तो इंडस्ट्रीज क्या चाहता है कि जहाँ पर वो बिज़नेस करे वहाँ पर उसको बिज़नेस करने में सहूलियतें मिलें, जो कि उसको दिक्कत ना हो। कोई सब्सिडी वगैरह नहीं मांगते हम तो, मगर ये चाहते हैं कि बिज़नेस जो है वो सही तरीके से चले, कोई इधर उधर पैसे ना मांगे, कोई और तंग ना करे, बल्कि जो लेजिटिमेट चीज़ें हैं वो हो जाएं। तो वो गुजरात में बहुत अच्छा होता है।